नमस्कार दोस्तों, माला की रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम चंद्रकला बनाने जा रहे हैं, जिसका सामग्री आप देख लीजिए। ये देखिए, 1 कप मैदा है, ये खोआ है, ये चीनी है, ये देखिए घी है मोयन के लिए, इलायची पाउडर है, ये पानी है, यहाँ देखिए बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है। अब आइए आपको हम बताते हैं आटा गूंथने की विधि। देखिए, ये मैदा है मेरा। अब इसमें हम बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी है मोयन के लिए, आप इसमें ज़रूर डालिएगा। देखिए, अब मोयन मेरा अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसके बाद इसमें देखिए, इस तरह से जब बंधे लगे तो समझ लीजिए कि मोयन सही है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल के इसे गूंथिए। देखिए, आटा का डो मेरा तैयार हो गया है। अब इसे तब तक के लिए रख दीजिए जब तक इधर हम खोया को भूनते हैं और बाकी मटेरियल भूनते हैं। देखिए, ये मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें थोड़ा सा घी आप डाल दीजिए। घी डालने के बाद इसमें बादाम और काजू डाल के हल्का सा इसे फ्राई कर लीजिए, हल्का सा। थोड़ा सा इसमें पिस्ता भी डाल दीजिए। किशमिश हम थोड़ी सा फ्राई करने के बाद डालेंगे, क्योंकि किशमिश जो है फूल जाता है, जल्दी से जल जाता है। अब इसमें खोया आप डाल दीजिए। खोया मेरा फ्राई हो गया है। अब इसमें किशमिश डाल दीजिए। गैस को बंद कर दीजिए। खोया मेरा गैस के नीचे उतार दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा चीनी हम डाल दिए हैं और इलायची पाउडर है ये। इसे अच्छी तरह से मिला के कुछ देर के लिए रख दीजिए ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद चंद्रकला भरेंगे हम। देखिए, अब आटा मेरा रेडी हो गया है। अब इसे छोटा छोटा या पेड़ा बना लीजिए, ऐसे बनाइए। थोड़ा सा मैदा रख लीजिएगा, उसमें लगा के आप बेलते जाइए। देखिए, मेरा बेल गया है। अब इसके बाद एक और ऐसे ही आप बेल लीजिए। कला में 2 पेड़े लगते हैं, 2 बेलना पड़ेगा इसी तरह।
देखिए, दो पूड़ी आकार में हम बेल के रख दिए हैं। इसे आप किसी बड़ी कटोरी से, ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर भी थोड़ा सा बड़ी कटोरी हो, ऐसे आप काट लीजिए। ऐसे काटने के बाद एकदम गोल सुंदर सा हो जाता है। देखिए कितना सुंदर हो गया। अब इसमें इस मसाले को भर दीजिए। इसी तरह से आप बनाइए। देखिए कितना सुंदर गोल आकार में हो गया है, एकदम चंद्रमा जैसे, चंद्रकला हो जाए तभी दिखने में सुंदर लगता है। देखिए कितना सुंदर हो गया है। जैसे मेरे घर पे बनता है जब भी, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। अब देखिए, अब इसे इस तरह से फोल्ड करते जाइए आप। इसी तरह से पूरा चंद्रकला को आप फोल्ड कर दीजिए। देखिए इसी तरह से पूरा चंद्रकला बना लीजिए। उसके बाद आप तलिए। देखिए मेरा चंद्रकला बन के तैयार हो गया। अब इधर जो है तेल हम कढ़ाई में रख दे रहे हैं, इसे अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम दिखाते हैं। और इधर देखिए चीनी भी आप रख दीजिए सीढ़े के लिए। जितना चीनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मीठा ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से गल गई है, थोड़ी देर और पक जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, इसके बाद हम उतार देते हैं इसको। देखिए सीरा अब हमारा तैयार हो गया है, गैस को ऑफ कर दीजिए। देखिए तेल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें चंद्रकला को डालना है। देखिए इस तरह ऐसे डालिएगा, नहीं तो फटने का डर होता है। पीछे साइड से डालिएगा ऐसे। देखिए कितना फूला फूला सा मेरा चंद्रकला हो गया है, रेडी है। अब एकदम बढ़िया सा दिख रहा है देखने में। अब इसे निकाल के गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे सीधे आप निकाल करके सीढ़ा में डाल दीजिए। देखिए ये सीढ़े में हमारा चंद्रकला तैयार हो गया है। इसे प्लेट में निकालना है बस। अब इसी तरह से पूरा आप बनाकर इसमें डाल के सीढ़े में और निकालते जाइएगा और गरम गरम सर्व करिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसी तरह देखिए अब हमारा चंद्रकला बन के तैयार हो गया है। आप इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। धन्यवाद।